हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक पेपर कक्षा 11वीं हिंदी का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेतांबर में समास है, कर्मधारय द्विगी, कर्मधारय द्विगु, अव्यय भाव या फिर बहुव्रीही। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीही समास। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, माखन लाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा, एक कृषक आत्मा, एक भक्ता, एक सामाजिक आत्मा। फिर इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने पत्र लिखा पिताजी को, माताजी को, चाचाजी को। फिर इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट ऑप्शन में दिया हुआ मित्र को, तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के हर सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कराए जाएंगे और उसका दोस्तों आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है, और आपके जितने भी दोस्त हों अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ, यहाँ पर बालक राम देखकर डर जाते हैं, हाथी को, भूत को, राक्षस को या फिर परछाई को। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हरी पुस्तिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है, सही जोड़ी चुनकर लिखिए। खंड आ में दिया हुआ है, हिमकंड, राष्ट्रीयतावादी, त्रिभुवन भगत जी, आजन्म। फिर इसके बाद दोस्तों, इसमें अगले में दिया हुआ है, खंड बा में, मोती के दानों सी, माखनलाल चतुर्वेदी, द्विगी समास, मानव विस्तार की कहानी, अव्यय भाव समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, झूरी के बैलों के नाम रिक्त स्थान थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा और मोती। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृति के सुकुमार कवि रिक्त स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, इसमें शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को रिक्त स्थान कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, उल्हाना कविता में रमलू भगत रिक्त स्थान का प्रतीक है, गरीब। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मयूर का पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केकी। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया हुआ क्वेश्चन, गांधी जी के मन पर किस चीज़ का गहरा असर पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामायण के परायण का। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, आचार्य शुक्ल जी ने सांची यात्रा किस मौसम में की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बसंत ऋतु। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुरली वाले का व्यक्तित्व कैसा था, उत्तर दिया हुआ है इसका, मुरली वाला प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति था। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा, उत्तर हो जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, उत्तर हो जाएगा इसका राजा जयसिंह के। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ, सत्य या असत्य चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वारिदी शब्द का पर्यायवाची समुद्र है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुहावरा वाक्य है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश में स्वर संधि है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा दिया क्वेश्चन, देश प्रेम रचना गद्य की स्मरण विदा, ये आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, खिलौने वाले की आवाज़ अत्यंत मधुर थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ है, गया के घर जाकर दोनों बैलों ने नांद में मुंह क्यों नहीं डाला, और व्यक्ति सर्व दर्जी कब बनता है।
सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ और कहाँ हुआ। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजेंद्र बाबू पौत्रियों को प्रयाग क्यों लाए थे। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्तेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद युग के चार रचनाकारों के नाम लिखिए। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रोत्तर युग के चार रचनाकारों के नाम लिखिए। बारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद का नाम लिखिए, निष्कपट और सज्जन। फिर इसके बाद तेरहवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, अर्थ और कल। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, इसमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, प्राणों की बाजी लगाना, पीठ दिखाना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, आम के आम, गुठलियों के दाम, थोथा चना बाजी घना। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, शिक्षा, समर्थ, ज्ञानी और धर्म। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, देवता और वन का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, आग में पड़ी धरती से कवि का क्या आशय है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बीमारी के कारण परीक्षा ना दे सकने पर प्रचार को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन विषय पर लगभग 250 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। 12 नंबर दिया हुआ है, बढ़ती आबादी विकट समस्या विषय की बिंदुवार रूपरेखा लिखिए। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।